अ डाई इज अ थ्रोन ट्वाइस, एक बार थ्रो करा फिर लिया फिर थ्रो करा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फाइव विल नॉट कम अप आइदर टाइम, दोनों में से कभी भी फाइव नहीं आया, क्या प्रोबेबिलिटी है? फाइव विल बी कम अप एटलीस्ट वंस, तो पांच कम से कम एक बार आए, फाइदर विल कम अप एटलीस्ट वंस, थ्रो अ डाई ट्वाइस एंड थ्रोइंग द टू डाई साइमल्टेनियसली आर ट्रीटेड एज द सेम एक्सपेरिमेंट, दो बार थ्रो करना एक साथ दोनों थ्रो करना सेम चीज बताया जा रहा है, ठीक है? चलो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो फिर, हेलो देखो अ डाई इज अ थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब बच्चे वो मैं दोबारा इतने सारे पॉसिबिलिटीज को लिखूं उससे पहले पीछे जो हमने बना रखे देखेंगे कि फाइव एक भी बार नहीं आए, फाइव एक भी बार नहीं आए, तो फाइव एक भी बार नहीं आए तो इसका मतलब क्या है? इसमें कितनी बार फाइव आ गया? एक बार, इसमें कितनी बार आ गया? दो बार, इसमें फाइव कितनी बार आ गया? तीन बार, और इसमें कितनी बार आ गया? चार बार, और छह बार, और सात बार फाइव यहां पर है तो ग्यारह बार, छह बार है फाइव, सात बार, तो फाइव एक भी बार नहीं चाहिए, तो बच्चे यहां पे फाइव आ गया ये नहीं चलेगा, यहां फाइव आ गया नहीं चलेगा, दो यहां पे फाइव आ गया नहीं चलेगा, तीन यहां फाइव आ गया नहीं चलेगा, चार यहां पर फाइव, पांच छ सात आठ नौ दस यहां पे ये भी नहीं चलेगा, ठीक है बच्चे? दस बार ऐसा हो गया ना फाइव आ गया, और एक ये ग्यारह, तो ग्यारह बार ऐसा है कि कभी ना कभी चाहे इधर चाहे उधर फाइव आया ही आया ग्यारह बार, तो 36 में से 11 बार तो आ रहा है आपका, 36 में से, तो 30 टोटल आउटकम्स वो तो 36 है, और फेवरेबल आउटकम्स 36 में से 11 बार तो आ रहा है, और कितनी बार नहीं चाहिए आपको, तो जो आ रहा माइनस कर दो 25, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव विल नॉट कम, तो 25 ऐसी चांसेस में 5 नहीं आएगा आउट ऑफ 36, दिस वन, क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो अदरवाइज ऐसे भी कर सकते थे, इसको करने का तरीका ये भी था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव ऑन फर्स्ट, सबसे पहले वाले लेफ्ट पे, पहले पे फाइव आ जाए तो कितने चांसेस होंगे, 6 आउट ऑफ 36, 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव इज नॉट Not come first. तो एक पहले फाइव आने की छह पॉसिबिलिटीज हैं, स्टार्टिंग में फाइव आ जाए तो नहीं आने कितनी होंगी, 5/6 कैसे हो, 5/6, 1 - 1/6 इक्वल्स टू 5/6, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव कम सेकेंड, तो सेकेंड नंबर पे भी पांच कितनी बार, छह बार होता है, 36 1/6, and probability of 5 will not come on second, clear है बच्चे? solve करते हैं इसको, probability of 5 will not come on second, तो आपके पास 1 - 6 5/6, और 5 आए ही ना तो पहली बार में नहीं आए कितने चांसेस है, प्रोबेबिलिटी किस किस की, 5 विल नॉट कम, 5 विल
नॉट कम, फाइव आ ही नहीं, तो पहले बार नाइंथ चांसेस क्या है, फाइव बाई सिक्स, दूसरी बार नाइंथ चांसेस क्या है, फाइव बाई सिक्स, तो टोटल कितनी होंगी, 25/6। ऐसे भी करेंगे क्वेश्चन को, कर सकते हो आप ऐसे भी, एंड फाइव विल कम एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन का मतलब कि कम से कम एक बार तो आ जाए, दो बार आ जाए तो भी चलेगा, तो टोटल कितनी बार फाइव आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव एटलीस्ट वन टाइम, तो टोटल फाइव कितनी बार आया, 11 आउट ऑफ 36, दिस वन इज योर आंसर सेकंड का, क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन, कोई डाउट किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का, चलो अगले क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर द करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव द रीजन ऑफ योर सॉल्यूशन, इफ द टू कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली देर आर द थ्री पॉसिबल आउटकम, टू हेड्स टू टेल्स वन ऑफ ईच, देर फॉर द ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। चलो चेक करो आप, बताओ जरा इसको, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दो ही डाइस तो यहाँ पे, दो ही कॉइन तो टॉस कर रहे हैं, तो बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर द करेक्ट एंड विच द करेक्ट, गिव द रीजन फॉर योर आंसर इफ द टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, टेल टेल आएगा, टेल, बस चांसेस कितने हैं इसके, आपकी टोटल पॉसिबिलिटीज कितने, हेड हेड या टेल टेल या हेड टेल या फिर टेल हेड, चार पॉसिबिलिटीज हैं, तो क्या कह रहे हैं, इफ द टू कॉइंस आर टॉसेस साइमल्टेनियसली देर आर द थ्री पॉसिबल आउटकम्स, टू हेड्स टू टेल्स और वन ऑफ ईच, देर फॉर द ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3, रॉन्ग है, सबका आने के चांसेस क्या है, 1/4 है, ठीक है, टोटल कितने, चार है, तो ये क्या है आपका, ये इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट है, इफ अ डाई इज अ थ्रोन एंड देर आर द टू पॉसिबल आउटकम्स एन ऑड नंबर्स और एन इवन नंबर्स, देर आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एंड द ऑड नंबर इज 1/2, तो क्या कह रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखो, अ डाई इन अ थ्रो देर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, वन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, अगर एक डाई को हम थ्रो कर रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऑन या तो ऑड आएगा तो इवन आएगा, एक ही बार दो डाइस हैं, एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो एक से छह तक में क्या होते हैं, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, सेकंड क्या आपका ट्रू है, ठीक है, हाँ, तो अब आपका दिमाग चलने लग गया प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ये हो गया, एक डाइस थ्रो करोगे तो क्या आएगा, वन आएगा या तो टू आएगा या थ्री आएगा या फोर आएगा या फाइव आएगा या सिक्स आएगा, तो या तो ऑड या तो इवन ही आएगा, नंबर दो ही होते हैं, तो ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऑड कितने, थ्री ऑड है आउट ऑफ सिक्स, तो क्या है आपका 1/2, सेकंड वाला आपको ट्रू है, तो बस मैं आपको डाई में, कॉइन में, कार्ड्स में लेकर आना चाहता था कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड पेपर में आते हैं, तो वो आप थोड़ा मैनेज कर पाओ।